कलेक्टर सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में मीडिया कार्यशाला का आयोजन हुआ। टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए यह कार्यशाला रखी गई थी। इस दौरान सुभाष त्रिवेदी ने कहा कि हम सबको मिलकर टीकाकरण के प्रति लोगों में जागरूकता लानी चाहिए। कलेक्टर सुभाष द्विवेदी ने मीडिया कार्यशाला के दौरान कहा कि 25 और 26 अगस्त के टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में प्रथम चरण में 18 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया था, जो एक दिन में विश्व में सर्वाधिक टीकाकरण का रिकॉर्ड था। इसीलिए शासन के निर्देशानुसार 2 दिन टीकाकरण महाअभियान शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के लोगों को प्राथमिकता से अभियान का हिस्सा बनना है। 18 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना का टीका लगेगा। जो प्रथम चरण में टीकाकरण का हिस्सा नहीं ले पाए थे, उन्हें जागरूक कर इस अभियान का हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि हमारा देश इस घातक महामारी की चपेट में न आए। जैसा आप सब जानते हैं, दिनांक 25 एवं 26 को प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान पार्ट सेकंड किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत हमारे जिले को कुल 25 तारीख का और 12,026 तारीख का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए हमने टोटल 165 सेशन साइट सेलेक्ट की हैं और इन सेशन साइट पे हमने ड्यू लिस्ट साइट वार बनाई है। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।